निकाला है और सवाल उठाए हैं बीजेपी से। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान की जो स्थिति है और पिछले 4.5 वर्षों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली है। पिछले 3 वर्षों में तो दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर राजस्थान शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। देखिए, दो चरित्र हैं। एक तरफ जो महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटना को लेकर कोई मंत्री आपके मंत्रिमंडल का आपको अपना आईना दिखाए, हकीकत दिखाए, तो उसको आप रातों रात हटा देते हो। ऐसी शक्ति अगर अपराधियों के खिलाफ करते तो शायद ये अपराधी अपराध करने से पहले कुछ सोचते। लेकिन अपराधियों के पक्ष में आप बयान देते हो कि 65% दुष्कर्म के मामले फर्जी हैं। आपका एक मंत्री एक तरफ तो जो सही है बात कह रहा हूँ तो आप हटा रहे हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा मंत्री जो आपको दुष्कर्म के मामलों में स्पष्ट कह रहा है कि ये मर्दों का प्रदेश है, उसके लिए आप कह रहे हो कि अगली बार सरकार आगे गलती से तो इसको वापस उसी विभाग का मंत्री बनाऊंगा। ये आपका दोहरा चरित्र है। आपके मन में मंशा होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि फर्जी मामले, क्या उस बच्ची के साथ जिसको कोविड पैंडेमिक में एम्बुलेंस के साथ बलात्कार हो गया वो फर्जी था? क्या आईसीयू में जो दुष्कर्म किया वो फर्जी था? क्या उस मुखबिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करके रोड पर फेंक दिया, उसको आपने घटना करार दे दिया क्योंकि उसी दिन रणथंभौर में लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, वो वहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई थी? क्या वो फर्जी घटना थी जब किसी वो शकूर खान ने किसी महिला के साथ दुष्कर्म करके उसको जिंदा एसिड डाल दिया और उस घटना को दबाने के लिए आपने बड़ी यूनिट नहीं थी फिर भी उसको वहीं रखा, जोधपुर नहीं भेजा ताकि मामला ज़्यादा प्रचारित नहीं हो? क्या वो घटना फर्जी थी जो एक दलित परिवार कहीं राहगीर बन के जा रहा था और दरिंदों ने पति के सामने पत्नी का बलात्कार कर दिया और आपने FIR लॉन्च नहीं होने दी क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने थे? मुझे लगता है कि कहीं कहीं सरकार की संवेदना समाप्त हो गई और इसी कारण जहां अपराधियों में भय होना चाहिए मुख्यमंत्री जी के और इनके मंत्री के बयानों के कारण वो अपराधियों में भय समाप्त हो गया। वो भय है आम जनता में, महिलाओं में, नारियों में, बच्चियों में। मुझे लगता है सरकार को अपने आप चिंतन करना चाहिए और ये अपराध को रोकने के लिए क्या कारण है कि आप 4.5 वर्षों में जब लगातार साल में 2 बार 6 महीने में कलेक्टर SP की 2-2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, 4.5 साल कहाँ गई आपकी वो बैठ के क्यों नहीं करी? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ IAS IPS का पटवारी की तरह ट्रांसफर करना सीखा आप लोगों ने। आपने अपने अपराधों की समीक्षा नहीं की, उनको रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनाई और इसीलिए आज राजस्थान अपराध में, दुष्कर्म में, दलित अत्याचार में शीर्ष पर पहुंच गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी सरकार के मुखिया को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है जिस तरीके से कल उनके निजी व्यक्ति को, चेयरमैन को सस्पेंड किया गया, इसके अलावा उनके पुराने मामलों को खोला गया और खुद राजेंद्र गुढ़ा ये कह चुके हैं कि मेरी गिरफ्तारी अशोक गहलोत कराएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि लगातार दुश्मनी निकालने का काम, आप देखिए कि परशुराम जी मदेना के साथ क्या किया, फिर महिपाल जी के साथ जो हुआ देखा, अब तीसरी पीढ़ी के साथ भी दुश्मनी निभा रहे हैं। अब राजेंद्र गुढ़ा जी, जिनके बारे में वो कहते थे कि राजेंद्र जी ने मेरी सरकार बचाई, राजेंद्र गुढ़ा जी ने, ये वही राजेंद्र गुढ़ा जी हैं जो लाल डायरी को लेकर इतने मंजिल कूद कर अपनी जान जोखिम में डालकर आपके काले कारनामों को छुपाया था। आखिर क्या कारण है? वो राजेंद्र जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार में शामिल मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री दुष्कर्म में शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और आप अगर पाक साफ है या राजेंद्र गुढ़ा जी की बात को आप सही साबित कर रहे हैं कि आप कहीं कहीं इन मामलों में लिप्त हैं, चाहे अजमेर का हो चाहे अन्य मामले हो, तो उनके राजेंद्र गुढ़ा जी की बात को आप सही साबित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार का एक जिम्मेदार आदमी विधायक और अभी कुछ दिनों पहले आपको आईना दिखाया इसलिए उनको मंत्री पद से हटा दिया, ये वही व्यक्ति है जो आपकी सरकार बचाने में आपके साथ था, आपको प्रिय लगते थे, आज वही आपकी सरकार पर आपके ऊपर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि आप दुष्कर्म के आरोपी हो, कहीं के बलात्कारी हो,
और महिलाओं पर दुराचार के आपके ऊपर अपराध का आरोप सीधा आरोप लगाया, और अगर आप सही हैं तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते, और नार्को टेस्ट नहीं कराते तो इसका मतलब सीधा राजेंद्र गुड़ा जी की बात को आप सही साबित कर रहे हो, कहीं कहीं उसमें शामिल हो, चाहे अजमेर का कांड हो चाहे अन्य मामले हो, कि आप कहीं कहीं दोषी हो इसीलिए चुप हो और नार्को टेस्ट नहीं करवा। क्या आपको लगता है नार्को टेस्ट होना चाहिए सभी मंत्रियों का? निश्चित रूप से, अगर ये अपराधी है और इनका एक साथी कह रहा है कि इसमें शामिल है, तो आप अगर सही है तो अपना नार्को टेस्ट कराने में क्या तकलीफ है? तो अजमेर 92 पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए हैं कि वही इस पूरे मामले के अंदर विलेन थे। देखिए कहीं कहीं धुआं वहां उठता जाकर आग लगी हो तो कुछ तो है, इन्हीं के बीच का एक साथी कह रहा है तो सच्चाई है, और ये आज से नहीं उस समय से ये बात इंगित होती आ रही है कि कौन लोग थे, कौन लोग इस पूरे मामले में कांड में शामिल थे। जिस नारी के एक देवी के रूप में पूजा जाता है ऊपर वाले से भी डर नहीं लगता, जिस नारी का सम्मान होता है, जिस नारी की पूजा होती है, उनको आप उनके बारे में मुझे लगता है कि आपकी पत्नी और बच्चे और बच्चियां क्या संस्कार लेगी आप लोगों से। कहीं कहीं जो राजेंद्र गुड़ा जी ने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए क्यों नहीं नार्को कराते या क्यों नहीं अपना वक्तव्य देते? माननीय प्रधानमंत्री जी कल 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे, देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त हस्तांतरित करेंगे, और सीकर एक किसान और जवानों की भूमि है, वो भामाशाहों की भूमि है, और उस धरती पर एक विशाल जनसभा किसान सभा को भी संबोधित करेंगे, और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के किसान, युवा, महिला, गरीब, हर वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करने पहुंचेंगे कि उन्होंने इन 9 वर्षों में जो इस देश को दिया, इस क्षेत्र को दिया, वो अतुलनीय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने भी लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। एक मेरा सवाल, एक कई जो जो महिलाओं के मामले भी दर्ज हैं दुष्कर्म के, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं खुद? देखिए सबसे पहले तो सरकार पे जो आरोप लगे हैं, सरकार के मुखिया और मंत्रियों पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जनता आपसे जवाब मांगती है कि आपका असली चेहरा क्या है, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। जोशी साहब, इंडिया किसको लेकर? देखिए कैसे गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, उनको तकलीफ किस बात की कि उनकी अगुवाई में प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई, तो तकलीफ किस बात की एक धारा 370 देश से हट गई, उसको तकलीफ किस बात की है कि भारत में भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, गरीब कल्याण के लिए जो 60 साल आप नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 9 वर्ष में करके दिखाया, आखिर किस बात की तकलीफ है? आप सत्ता में आने के लिए कभी चाइना जाते हो, कभी पाकिस्तान जाते हो, कभी दुनिया के अन्य देशों में जाते हो, अरे सत्ता तो यहाँ के देव के लिए जनता लेकर आएगी, लेकिन उसमें विश्वास तो पैदा करो कि आपने 60 सालों में जो देश को लूटा है जनता आपका असली चेहरा जानती है, और जो लोग सारे दल इकट्ठे हुए हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे जिस प्रकार के नारे लगने वालों के साथ कौन खड़ा हुआ था, कौन था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इस भारत माता के टुकड़े करा दिए, ये सब लोग इनका असली चेहरा लोग जनता जानती है, इसलिए इनको अपने गिरेवान में देखना चाहिए, उसके बाद जनता के बीच में जाना चाहिए, फिर जनमत के लिए एक बात करनी चाहिए। भाई साहब, छोटा सा सवाल, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अकबर महान है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप भगोड़ा है वो नहीं जीते, ये वही लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी ने अभी 1.5 करोड़ किताबें छाप कर भेजी राजस्थान में, जिसमें मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा दिए और हमारे वीर योद्धाओं के नाम जोड़ दिए, उनको नागवार गुजरा, तो 1.5 करोड़ किताबें उन्होंने अभी तक कमरे में बंद कर रखी, तो और उन्होंने अभी वोट के लिए महाराणा प्रताप का वोट बना दिया वीर शरण महाराणा प्रताप के नाम पर। ऐसे जनता आप सबको जानती है कि अगर ये बनाना होता तो आप सत्ता में आते ही बनाना चाहिए, ताकि 4.5 वर्ष में वो समाज के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, कल्याण के लिए काम करता,
आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम स्वागत करते हैं आपने बनाया, लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, आपको सत्ता में आते ही अगर कोई काम करना चाहिए ताकि वो 5 वर्ष तक वो देश और समाज की सेवा करे। चुनाव के समय आप कोई निर्णय कर रहे हो तो जनता जानती है कि आप चुनाव के समय एक क्यों निर्णय कर रहे हैं, इसलिए आप काट के आंटी